गठित किया जाए और मैनपुरी क्यों चेंज किया जाए। ऋषि महाराज ये तपोभूमि है, अगर उसका नाम चेंज किया जाएगा तो सिर्फ उसी आधार पर किया जाएगा, अन्यथा इसका नो मेरा कोई वो नहीं है इसमें। ऋषि के नाम पर पहला इसका नाम था मयन ऋषि, मयन ऋषि के नाम मयन ऋषि। हाँ, बोलने के उससे मैनपुरी ही था, लेकिन अब बोलने से मैनपुरी हो गया, वही कागजों में दर्ज हो गया। ठीक है, जो भी आप अन्यथा उस पर विचार बिल्कुल भी नहीं किया जा सदन में, या सदन का पूर्ण बहुमत हो तब कर दिया जाए। इसको क्या अभी विचाराधीन रखा जाए, या इसको अनुमोदित माना जाए? अनुमोदित, इसको इस प्रस्ताव को अनुमोदित अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है, और ये प्रस्ताव अभी ऐसा नहीं कि इसका नाम परिवर्तित हो गया, यहाँ से इसका प्रस्ताव पारित होकर के शासन को जाएगा, शासन उसके गुण दोष के आधार पर निर्णय लेगा, वो शासन का। जब तक एएमएस दो क्या ही बहुमत न होगा, कैसे अनुमोदित कर देंगे आप? अध्यक्ष महोदय की तो आप अध्यक्ष महोदय से बात, पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि इसमें है क्या चमक, मेन चमक क्या है, वो क्या है, मैनपुरी क्या है, इसके बारे में पूरी तरह से उसका शोध किया जाए, और शोध करने के बाद जब विचार करने के बाद सदन में रखा जाए और उसके बाद उसमें नाम परिवर्तित किया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कि मयन ऋषि नाम के कोई व्यक्ति थे जिनके नाम पर चला तो उसको मैंने तो आपको तो अगली बैठक में रखना, और तब अगली बैठक तक चार दिन रखा जाए। अभी नहीं होगा तो नहीं माने, तो जैसी को मानेंगे जिसको आप रख रहे हैं। मयन ऋषि जो मैनपुरी के जिनका नाम रखा गया है वो मयन ऋषि के नाम से रखा गया है, और मयन ऋषि के नाम से मयनपुरी ही कहा जाता था पहले, लेकिन धीरे धीरे उसे मैनपुरी कर दिया गया, उसी को अनुमोदित कर रहे हैं। कब से कर दिया गया? स्तर पर विचाराधीन है, जो जज जी निर्णय देंगे इसमें बाद में अंतिम निर्णय कर दिया जाएगा।